तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो डिटेल्स ऑफ ऑल वाइल्ड बिग कैट्स। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने वो पर्टिकुलर बेसिक कैटेगरी जिसमें से कि हम डिस्टिंग्विश या डिफाइन करते हैं सारे ही 7 बिग कैट्स को। जी हाँ, जो वाइल्ड बिग कैट्स की फैमिली है अगर आप उसे देखें गौर से तो उसमें ये 7 चीफ मेन कैटेगरी के हेड्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, कूगर, स्नो लेपर्ड और जैगुअर। आप थोड़ा सा समय लीजिए, इनके चेहरे देखिए। मैं समझता हूँ लायन तो बिल्कुल अलग है, वो दूर से ही समझ में आ जाता है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता। टाइगर भी अक्सर जो है वो समझ में आ जाता है, कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों चीता, लेपर्ड, कूगर, जैगुअर और स्नो लेपर्ड में। और आज का वीडियो, जैसे मैंने आपको दावा किया था कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हमारे मेंबर्स ने काफ़ी समय इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न लाइफ लॉन्ग के लिए दूर हो जाएगा। तो आप भी देखें, दोस्तों को दिखाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इनके चेहरे देख चुके हों तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये लायन और टाइगर का इमेजेस हैं, बहुत आसान है दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया, भारत कंट्री का। लायनस और लायन के बीच में यही है दोस्तों कि लायन के जो गर्दन है और जो उनका चेहरा है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बाल होते हैं, लायनस के नहीं होते। हालांकि कदकाठी बनावट और ओवरऑल जो शरीर है और रंग है वो तकरीबन एक समान होता है। अब ये तो आसान बात रही, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप टाइगर की प्रजातियां जानते हैं अलग अलग, और अगर मैं आपके सामने से वो 6 टाइगर जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं अगर मैं गुजारूं तो आप शायद कहेंगे कि अरे ये 6 तो एक समान है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये फ़ायदा होता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन चैनल में अक्सर आके वीडियोस देखने का। हमने टाइप्स ऑफ टाइगर आपके सामने दिखाए हैं, बंगाल टाइगर, अमूर, इंडो चाइनीज, मलायन, सुमत्रन। दोस्तों बंगाल टाइगर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक वाइट बंगाल टाइगर भी होता है। अब ये एक झलक में देखने में बिल्कुल एक समान देखेंगे आपको, मगर अगर आप गौर से इनका रंग देखें, इनका चेहरा खास तौर पे अगर आप देखें, आंखें देखें, चेहरे की बनावट, और उसके स्पेशली अगर आप और कॉन्सेंट्रेट करें उनके कान और उनकी पूंछ, तो आप दोस्तों इनके कंप्लीट जो आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिससे आप एक अंतर बता सकते हैं वो आप इन शेर, इन टाइगर के बीच में अंतर बता पाएंगे। एक बार आप देख लें गौर से, रंग अलग होते हैं, जो शरीर पे जो पैटर्न बने हैं इनके स्ट्राइप्स के पैटर्न वो भी अलग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर अब आप देखने जा रहे हैं ये आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स, कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। चीता, जैगुअर, लेपर्ड, कूगर, स्नो लेपर्ड, बेसिकली ये क्या क्या होते हैं। सो देखिए दोस्तों, इनका जो स्किन का पैटर्न है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है आपको कि किस प्रकार से प्रिंट होता है इनके इनके स्किन पे, और राइट में इनके बॉडी का पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर। चीता हम सब जानते हैं, इट्स द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। इनके चेहरा काफी ऐसा प्रोट्यूडिंग सा, ऐसा बाहर उठा हुआ और थोड़ा सा छोटा होता है। एक पर्टिकुलर आंखों के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो एक निशान, एक मार्क बना रहता है। इनको आइडेंटिफाई करना काफी आसान है, मगर वही है कि कंफ्यूजन जैगुअर और लेपर्ड और स्नो लेपर्ड इनमें होता रहता है, इसलिए हम सोचते हैं कि सभी चीते हैं। सो इसके जो पीछे के 2 पांव हैं, इसके तरफ जहां पर पेट का निचला हिस्सा जाता है अगर आप देखें तो वो कसा हुआ होता है, बहुत ही कम पतला सा, सकरा सा है वो जगह, और इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही वेल टोन्ड बॉडी अपनी मेंटेन रखते हैं। और ये जो 5 एनिमल्स हैं इनमें से सबसे अलग चीता दिखाई देता है। हम जैगुअर लेपर्ड को और डिटेल में आने वाले जो हमारा स्क्रीन है उस पर देखेंगे। कूगर के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस स्क्रीन में जब लायन और टाइगर हमने कवर कर लिए तो अब आप कहेंगे कि भाई पैंथर कहाँ है, पूमा कहाँ है। तो दोस्तों कूगर का ही दूसरा नाम पूमा, पैंथर
माउंटेन लायन इस प्रकार से होता है, वो अभी हम जैसे ही आगे जाएं आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कूगर ही दरअसल पूमा, पैंथर, रेड टाइगर, कैटामाउंट, माउंटेन लायन के नाम से जाने जाते हैं। आई होप अब आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को छोटा सा भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा इन आइडेंटिफाइंग चीता, लेपर्ड एंड जैगुअर। और वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये स्क्रीन देखने के बाद में मैं आपको और दिखा दूं कि चीता, लेपर्ड और जैगुअर की पूंछ, उनके चेहरे, उनकी गर्दन और खास तौर पे उनके बॉडी पे जो प्रिंट है वो किस प्रकार का होता है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, जैगुअर, कूगर, ये सारी चीजें कवर कर ली। आप काफी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होगे कि अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया ये सारी चीजें क्या हैं। मगर फिर एक छोटा सा कंफ्यूजन, और वो है, अगर आप सब कुछ देख चुके हैं, इफ यू हैव सीन ऑल, व्हाट आर दीज? ये नाम कभी आप अगर पढ़ें या कभी आप इनको देखें तो आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे भाई, सब तो पढ़ लिया था, अब ये कहां से नए आ गए। क्योंकि जब मैं बात करूं मार्गे, ऑसेलॉट, कैरकल, कॉट कॉट, सर्वल, जैगरेंडी, लिंक्स, क्लाउडेड लेपर्ड, पैंथर, ब्लैक पैंथर की, तो ये दोस्तों अभी तक हमने कवर नहीं किया है इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा इन्फॉर्मेशन लगी है। और आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे आज, जिसके कारण कि आपको बिग वाइल्ड कैट्स क्या होती हैं वो संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, ये हैं आपके चेहरे, आपके स्क्रीन के सामने मार्गे, ऑसेलॉट। ऑसेलॉट को अक्सर कंफ्यूजन में, अगर आपको लगता है कि नहीं ये लेपर्ड जैसा या चीते जैसा दिख रहा है, तो याद रखिए जो मैंने आपको एक थंब रूल बताया है कि चेहरा, उनकी बॉडी, उनकी पूंछ और उससे भी इंपॉर्टेंट उनके जो स्किन है उसके ऊपर प्रिंट, वो किस प्रकार का बना है। आप देखिए, ये बिल्कुल जैगुअर और चीते से अलग प्रिंट है ऑसेलॉट का। मार्गे बिल्ली जैसी छोटी सी दिखाई देती है, मगर दरअसल ये इनफैक्ट मार्गे कैट ही कहलाती है। हमने एक सेपरेट बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसके अंदर सारे, तकरीबन सारे जितने वाइल्ड कैट्स हैं वो कवर किए हैं, हम उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। तो ये रहे दोनों, आगे चलते हैं दोस्तों। कैरकल एंड कॉट कॉट, ये घूम फिर के सब एक बिल्ली के जैसे रूप में ही नजर आते हैं, मगर कैरकल की जो पूरी बॉडी है उसमें आप पाएंगे कि वो एक ही कलर की होती है। सर्वल, जैगोरंडी, अगर आपको सर्वल कहीं से चीते के समान दिखाई दे, क्योंकि आप कहेंगे कि अरे इसके जो बॉडी है उसके ऊपर भी छोटे छोटे से स्पॉट्स बने हैं चीते जैसे, तो आप दोस्तों उसके चेहरे के ऊपर जो कान है बड़े, आप उनको देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। इसी तरीके से जैगोरैंडी, अगर आप उसकी पूंछ को छुपा दें और आप देखें तो आपको वो बिल्कुल पूमा के समान दिखाई देगी, लेकिन जब आप पूंछ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जैगोरैंडी है। तो ये एक अलग डिफरेंशिएटिंग है, और हमने अभी सर्वल और जैगोरैंडी भी कवर कर लिया। दोस्तों अगला है लिंक्स और क्लाउडेड लेपर्ड। लिंक्स भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी, आप दूर से देखें तो आपको लगेगा कि कोई व्हाइट लेपर्ड आ रहा है, या चीता अगर किसी बर्फीले जगह पे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल लिंक्स एक सेपरेट कैटेगरी है, और ये जो जानवर होते हैं इनको आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। इनके अगर आप चेहरे पे जो कान है और कान के ऊपर अगर आप बाल देखें, तो ऐसे खड़े बाल जो हैं वो अलग से नजर आते हैं। लिंक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। क्लाउडेड लेपर्ड दोस्तों, इसलिए क्लाउडेड नाम दिया गया क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से उसकी पूरे स्किन के ऊपर जो है एक ऐसे क्लाउड से समान जो है प्रिंटिंग आई हुई है, तो इसको आइडेंटिफिकेशन भी आसान है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन अक्सर लोगों को क्रिएट होता है कि पूमा, पैंथर, ब्लैक पैंथर। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूमा और पैंथर ये एक ही जानवर के दो अलग अलग नाम हैं, और
पूमा, पैंथर, ब्लैक पैंथर, अगर इन सबको मैं जोड़ूं तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कूगर कैटेगरी में आते हैं। पूमा जो जानवर है वो दरअसल पूरी तरीके से एक ही रंग के होते हैं और उनका रंग खिला होता है, मतलब कम से कम वो काले नहीं होते। जहां पर वो काले हो गए उन्हें ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं। ये एक मोटी मोटी आपको डिस्टिंग्विशिंग आइडेंटिफिकेशन जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने आपको प्रोवाइड कर दी। अब दोस्तों बात आती है कि क्या सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। मैं कहूँगा नहीं, ठहरिए, क्योंकि अभी भी ऐसी कुछ कैट्स हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, जो वाइल्ड बिग कैट्स नहीं हैं, मतलब जो हमने ऑलरेडी आज कवर कर ली और मेरा दावा है आप लोगों को पसंद आया होगा वो इन्फॉर्मेशन, मगर इसके अलावा कुछ ऐसी कैट्स हैं जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, और जैसे हमारी आदत है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आना वेरीफाइड, हमने सोचा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और क्यों ना जो कैट वाला वीडियो है वो अलग रखें, तो हमने उसकी यूज़फुल लिंक आपको प्रोवाइड की है, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस वीडियो का टाइटल है टाइप्स ऑफ वाइल्ड कैट्स। इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न आप लोगों को रहता है, ज़रूर इस वीडियो को देखिए। और दोस्तों आखिरी में जैसे मैं फिर से कहूंगा, बहुत सी मेहनत हमारे मेंबर्स की लगी है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को भी दिखाएं। थैंक यू सो मच।